हेलो दोस्तों, कृषि इन्फॉर्मेटिक्स के एक और नई वीडियो के अंदर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग बीटरूट। दोस्तों चुकंदर खाने के टॉप 10 फायदे मैं आपको बताने वाला हूं, तो बिना किसी तरीके से वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों नंबर 1 पे जो बेनिफिट आता है चुकंदर को खाने का, वो ये है कि स्टेमिना को इंक्रीज करता है। दोस्तों जिनके शरीर में स्टेमिना का लेवल कम है या जिनके शरीर में स्टेमिना का लेवल बहुत ही पुअर है, उनके लिए ही बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है बीटरूट। अगर आप बीटरूट का सेवन करते हो या चुकंदर खाते हो, तो जो आपका स्टेमिना लेवल है वो बूस्ट हो जाता है और स्टेमिना को एनहांस करने का काम करता है दोस्तों चुकंदर। नंबर 2 लीवर। दोस्तों लीवर के लिए भी बहुत ही हेल्दी इसको माना गया है। जिनको लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या जिनका लीवर डैमेज है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है बीटरूट। अगर बीटरूट का सेवन करते हो तो आपको लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, आपका लीवर हेल्दी रहेगा। नंबर 3 ब्लड। दोस्तों खून साफ करने का काम करता है चुकंदर बीटरूट। अगर जिनका खून इम्प्योर है, जिनका खून गाढ़ा है या जिनका खून ज्यादा ही पतला है, तो इन चीजों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है बीटरूट। अगर आप बीटरूट का सेवन करते हो तो जो आपका ब्लड है वो साफ हो जाता है। अगर आपका ब्लड साफ हो गया तो जो आपकी हार्ट हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, आपका दिल भी स्वस्थ हो जाता है। नंबर 4 थिंकिंग। दोस्तों हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। अगर कोई स्टूडेंट है जो स्टडी का जो हार्ड बर्डन होता है आजकल स्टूडेंट्स के ऊपर, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो अपनी डाइट है वो अच्छे से लें। अपनी स्टडी का बर्डन दूर करने के लिए जो बीटरूट है एक बहुत ही अच्छा फ्रूट माना गया है। ब्रेन पावर को इंक्रीज करता है, साथ ही साथ माइंड को शार्प करता है। जो एक बार लर्न कर लेते हैं उसको लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए जो मेमोरी को शार्प करने का काम होता है वो बीटरूट करता है। अगर चुकंदर का सेवन करते हो जो आपकी मेमोरी है वो शार्प हो जाती है, और साथ ही साथ आप इजीली चीज़ों को लर्न कर लेते हो और साथ ही साथ उसको लॉन्ग टर्म के लिए याद भी कर लेते हो। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों हाई वाटर कंटेंट। दोस्तों इसके अंदर हाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो स्किन है वो ग्लो करती है, मॉइस्चराइज रहती है। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों नंबर 7 एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज। दोस्तों इसमें ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो कि कैंसर की बीमारी होने से रोकती है। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट है कि कैंसर टाइप जानलेवा बीमारी होने से भी बचाता है बीटरूट। अगर चुकंदर का सेवन करते हो तो जो आपको कैंसर है वो नहीं होने वाला है, जो आपकी बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। नंबर 8 बॉडी परफॉर्मेंस। दोस्तों बॉडी परफॉर्मेंस को भी एनहांस करता है। जो भी एथलीट्स हैं, जो भी खेलते हैं या जो भी एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए बीटरूट एक बहुत ही बेनिफिशियल फ्रूट है। अगर वो अपनी डाइट में लेते हैं एक्सरसाइज के बाद, खेलते हुए, खेलने के बाद, खेलने से पहले, तो जो उनकी बॉडी परफॉर्मेंस है वो बहुत ही अच्छी होती है, और साथ ही साथ जो भी वो काम करते हैं उसको परफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो बॉडी परफॉर्मेंस है वो एनहांस कर देता है चुकंदर। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों ब्लड फ्लो। दोस्तों खून भी हमारी नसों में बहता है, और उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि नसों में कोई भी ब्लॉकेज ना हो, खून अच्छे से बह सके, तो वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ब्लड फ्लो को अच्छे से रखने के लिए भी बीटरूट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। उसके बाद पॉइंट आता है दोस्तों हेयर्स। दोस्तों हेयर्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसके अंदर बहुत सारे विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, इतनी सारी मिनरल एंड न्यूट्रिएंट प्रॉपर्टीज इसके अंदर पाई जाती हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको सारे के सारे बेनिफिट समझ में आए होंगे, मैंने आपको सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं। अगर किसी बेनिफिट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और दोस्तों अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए या किसी और टॉपिक के बारे में जानना हो, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते किसी और वीडियो के साथ किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।